नागपुर में मेरे एक मित्र हैं, लगभग 20 साल पुराने और बहुत अच्छे मित्र हैं। अब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उन्होंने पूरी रिसर्च उन्होंने की है, किताबें भी लिखी हैं, संगठन भी अच्छा चलाते हैं, वाइज मैन है, बुद्धिमान है, शांत है, अच्छे हैं और चीज़ों को कैसे रखना चाहिए उनको पता होता है। मेरी बातचीत उनसे हो रही थी तो बातचीत में एक बीच में बात आई जिसमें ये पता चला कि कई लोग उनकी इस बात के लिए आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ये आदमी अभिमानी हो गया है और ये आदमी अपने आप को डॉक्टर अंबेडकर से भी आगे मानता है। इस बात का उन्हें बड़ा कष्ट था, बड़ी परेशानी थी कि लोग इस तरह से आलोचना करते हैं। दरअसल मुझे इसमें कोई आलोचना दिखाई तो दी नहीं और ना इसमें कोई आलोचना है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये इतनी शानदार बात है। अगर कोई मुझसे कहे कि भाई आप तो डॉक्टर अंबेडकर से भी आगे बढ़ गए, आप तो कबीर से भी आगे बढ़ गए, आप तो बुद्ध से भी आगे बढ़ गए, आप तो जो संत पुरुष हैं उनसे आगे बढ़ गए या अपने पिता से आगे बढ़ गए, तो मेरे लिए गर्व की बात है। दरअसल मेरे पिता के लिए भी गर्व की बात है, डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी गर्व की बात है, भगवान बुद्ध के लिए भी गर्व की बात है, कबीर साहब के लिए भी गर्व की बात है कि उनका बेटा उनसे आगे निकल गया। एक बाप क्या चाहता है, एक गुरु क्या चाहता है, एक अच्छा और सच्चा गुरु और बाप हमेशा चाहता है कि उसका शिष्य और उसका बेटा उससे आगे निकलना चाहिए और उसके जीते जी निकले तो ज्यादा अच्छा है। मरने के बाद तो उसने क्या देखा क्या नहीं देखा तो खत्म होगी काया, और जीते जी अगर आगे निकल जाए तो उस बाप की जो छाती होती है, जो उसकी चेस्ट होती है, वो डबल हो जाती है, उसका सीना गर्व से बुढ़ापे में दमकता है, उसकी चाल बदल जाती है जिसका बेटा उससे आगे निकल जाए या जिसकी बेटी उससे आगे निकल जाए, जिसके बच्चे उससे आगे निकल जाए। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो कहते कि नहीं, यहां निगेटिव बात समझते हैं, यहां कहते हैं कि अभिमान वाली बात है, गर्व वाली बात है। अरे वो मूर्ख लोग हैं जो ऐसा गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, वो निगेटिव लोग हैं। वो खुद तो बाबा साहब से आगे जा नहीं सकते, खुद तो पढ़ नहीं सकते, खुद तो कोशिश कर नहीं सकते, तो औरों की टांग पड़ के खींचते हैं। अरे बाबा साहब ने कब कहा, भगवान बुद्ध ने कब कहा, कबीर साहब ने कब कहा, ज्योतिबा फुले ने कब कहा, संत महापुरुष ने कब कहा मेरे से आगे मत जाना, मेरे अंडर रहना, मेरी गुलामी करना, जितना मैंने बता दिया वही रुकना, वही में तुम्हारा काम हो जाएगा। आप पूरी दुनिया को देख लो, जो लोग आज की डेट में राज कर रहे हैं या जो राज करने वाले हैं, क्या सब महापुरुषों से आगे नहीं जा रहे हैं, क्या उनकी बात सीख के आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्या आज के हिसाब से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो तो आगे बढ़ेंगे नहीं। साइंस जो लोग पढ़ते हैं, जिस गुरु की साइंस पढ़ते हैं, जैसे आइंस्टाइन की साइंस किसी ने पढ़ी कि भाई आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी है, तो बस वहीं रुक जाए क्या साइंटिस्ट? फिर उससे आगे डिस्कवर नहीं करेगा, तो इससे आगे डिस्कवर नहीं करेगा तो कुछ होगा ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने एक कैमरा बना दिया और कैमरा बनाने के बाद कहा ये हमारा गुरु है, कैमरा बना दिया और हमें इससे आगे नहीं जाना है, तो फिर तो नया कैमरा बनेगा नहीं, फिर तो और अच्छे कैमरे आएंगे नहीं। भाई जहां तक उस गुरु ने आपको सिखाया है वो बहुत अच्छा है, वहां तक बहुत जल्दी पहुंचिए, फिर अपनी मेहनत करके आगे पहुंचिए। तो जो लोग डॉक्टर अंबेडकर पर रिसर्च करके उससे आगे बढ़ रहे हैं, या जो भगवान बुद्ध की रिसर्च कर रहे हैं, या जो ज्योतिबा फुले की रिसर्च कर रहे हैं, या कुछ नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, या कोई नई बात बता के आ रहे हैं, तो अपने बाप का काम कर रहे हैं, अपने दादा का काम कर रहे हैं, अपने बाप और अपने दादा का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लगती है, आपको लगता है इसमें परेशानी है, तो डूब के मर जाइए चुल्लू भर पानी में। आपको काम करना चाहिए आलोचना करने की बजाय, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपने बाप दादा की एजुकेशन से आगे एजुकेशन डिस्कवर करनी चाहिए। जिंदगी में डेवलपमेंट का स्कोप कभी खत्म नहीं होता, आगे बढ़ने का कोई रास्ता कभी बंद नहीं होता। जो व्यक्ति ये सोचता है कि महापुरुष ने ये बता दिया रास्ता बंद है, वो महापुरुष का कत्ल करता है, महापुरुष को मारता है, उसका अनुयायी नहीं है, वो महापुरुष को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। जो सच्चा महापुरुष होगा, जो सच्चा संत होगा, वो हमेशा कहता है चलते रहना, रुकना मत, आगे जाना। जब वो कहता है आगे जाना तो किससे आगे जाना? वो कहता है मुझसे आगे जाना, बहुत आगे जाना, क्योंकि तभी तो जीतोगे, तभी तो कुछ चीज मिलेगी। तो जो नागपुर वाले मेरे मित्र हैं, मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि लोग उनको कहते हैं कि वो डॉक्टर अंबेडकर से भी ज्यादा जानते हैं, उनको जानना चाहिए, ना केवल जानना चाहिए, उनको डॉक्टर अंबेडकर से आगे के दसियों हजार लोगों को पैदा भी करना चाहिए। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने आपको पैदा किया, वैसे ही आपको दसियों हजार लोग पैदा करने चाहिए, तब कुछ बन सकता है आपका। अदरवाइज आप भूल जाइए, क्योंकि
जहां संत जहां लड़ाई हार जाते हैं वहां से उनके अनुयायी उनको आगे रख के और आगे जाके लड़ाई को जीत के लाते हैं। जो संत को सर पे घुमा के कहते हैं कि मेरा संत बस यही संत है और यही अंत है, उनका अंत उसी में हो जाता है। फिर संत भी उनका कुछ नहीं कर सकता, उनका अंत संत के साथ निश्चित है। इसलिए संत से आगे जाना पड़ेगा, महापुरुष से आगे जाना पड़ेगा। बाबा साहब को सारा पढ़ डालिए तो बाबा साहब खत्म हो जाते हैं, फिर आप स्टार्ट हो जाइए बाबा साहब से आगे। बाबा साहब का जो पढ़ा लिखा है उसी में मत घूमिए। जो बुद्ध ने बताया है वो बहुत मिक्स हो चुका है, बहुत उसमें डामाडोल मामला है, वो बहुत निकालना पड़ेगा। जो ज्योतिबा फुले ने किया है वो प्योर है तो उसको निकालना पड़ेगा। जो कबीर साहब का है उसमें घालमेल हुआ है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। आप अपने आप को उनका बेटा मानते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, आपकी बेटे की, आपको आगे निकलना है बाप से। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं। उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunu Gacchami.